सभी का बहुत ही प्यारा फेवरेट शो लेकर मैं आपका मीठा होस्ट और आपका दोस्त मीके सज्जन फिर एक बार हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए पांच सवाल लेकर। और आप भी बिल्कुल तैयार हैं, तो इसलिए दिल से सबसे पहले आप सभी का है वेलकम, वेलकम और वेलकम। क्योंकि आप नहीं जुड़े हमारे साथ तो फिर पांच सवाल किस काम के। आप भी करके आते हैं पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, मुरली को गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद करते हैं रिवीजन और फिर पांच सवालों को देते हैं सही जवाब। क्योंकि मुरली के बीच में से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका सही जवाब देने पर ही आपको मिलती है मास्टर मुरलीधर का ताज। लेकिन उसके लिए आपका प्रयास भी काफ़ी होता है और इसीलिए दृढ़ता की शक्ति को आप अपनाते हुए सफलता मूर्त आत्मा बन जाते हैं। तो चलिए फिर एक बार करते हैं प्यारी से शुरुआत और रखते हैं कल की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाबा कहते हैं बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। साथ ही साथ बाप कहते हैं कि बाप का पहला फरमान है बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर होगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे देह अहंकार खत्म होगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हैं। तो बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं कैसे हम निरंतर योगी बन सकते हैं। उसके लिए आत्मा निश्चय करना है स्वयं को और अनुभव करना है कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया से आई हूँ। बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण छोड़ी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहो तो श्रीमद् पर भारत को श्रेष्ठ बनाने की सेवा कर सकोगे। साथ ही साथ आस्तिक बनना और बनाना है अर्थात परमात्मा को जानने वाली आस्तिक है। बाबा कहते हैं देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है और शरीर बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। साथ ही साथ श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बनना है। क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की, इसलिए जैसे हम सोचते और कहते हैं कि हम शांत स्वरूप सुख स्वरूप हैं ऐसे बाबा कहते उसका अनुभव करो और उसमें खो जाओ। बाबा कहते संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो प्राप्ति का नामो निशान नहीं होगा। तो देखिए कल की मुरली तो हमने बड़े ही प्यार से जल्दी से कर ली है रिवाइज। अब बारी आ गई आगे बढ़ने की और रखने की आपके सामने। आज यानी 22/2/2022 की मुरली से पांच नए सवाल। तो सारा टेंशन यूट्यूब स्क्रीन पर आपका होना चाहिए क्योंकि वहीं पर पेश होने वाला पहला प्रश्न। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए आत्मिक दृष्टि, ऑप्शन बी देह मान पर जीत पाना, ऑप्शन सी संपूर्ण निर्विकारी, ऑप्शन डी संपूर्ण नष्ट मोहा। और आपका कीमती वक्त 15 सेकंड को एक शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन में देह अभिमान पर जीत पाना। तो फिर एक बार कांग्रेचुलेशंस और जी बधाई आप सभी को कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और किया है आपने कमाल। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ आपको बताते हुए भी हर्ष होता है कि आप पहले सवाल का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स भी अपने नाम कर चुके हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे रखते हैं दूसरा प्रश्न। शिव काशी कहते हैं असल नाम काशी था फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, अभी वर्तमान नाम क्या है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मधुबन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी शिव काशी, ऑप्शन डी काशी। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही जो ऑप्शन बी वाराणसी। तो फिर एक बार कांग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। तो मुबारक हो। दो सवाल पूरे किए हैं 22 तारीख के दिन दूसरे महीने में और 2022 के साल में। तो बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आप बधाइयों के साथ क्या रतन लेते। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सबको सुख देना है। बाबा कहते हैं तुम कौन हो,
सच्चे व्यास हो, इसलिए तुम्हें गीता पढ़कर सबको पढ़ाना है और सुख देना है। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने दिया है। तो इसको नशे में रहना है और ऐसा ही करना है। तो अब पढ़ते हैं, रखते हैं तीसरा सवाल। दिन प्रतिदिन तुमको शिवत मिलती रहती कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, क्या करना है? चार ऑप्शन। ऑप्शन है सम्मुख लाना, ऑप्शन बी वर्षा दिलाना, ऑप्शन सी मुक्ति दिलाना, ऑप्शन डी नजदीक लाना और आपका वक्त शुरू होता है। सही जो ऑप्शन भी वर्षा दिलाना। तो कांग्रेचुलेशंस, बधाइयां बधाइयां और बधाइयां। आप सभी को दिल की दुआएं मुबारक हैं। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो दिल खोल के बधाइयां आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और फिर एक बार जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। तो कांग्रेचुलेशंस। और अगर 30 पॉइंट्स है तो बस फिर तो गोल्डन क्राउन एक प्रश्न की दूरी पर है। तो चलिए प्रश्न रखते हैं और इंतजार खत्म करते हैं। प्रश्न है चौथा सवाल। जो सयाने होंगे वे कहेंगे देहाभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है जिससे किसकी उत्पत्ति होती है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी विकार, ऑप्शन डी लोभ और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन भी काम। तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस और जी बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। सयाने बन चुके हम सभी समझ चुके हैं कि देहाभिमान कितना खतरनाक है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद मुबारक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। और अगर 40 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन भी अपने अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक है जी, मुबारक है। चलिए मुबारकों के साथ ज्ञान रतन भी लेते हैं। बाबा के लिए सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो? अपने को अशरीरी समझना, इस देहाभिमान पर जीत पाना यही ऊंची मंजिल है क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देहाभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अपने सिवाय बाप के कोई याद ना आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। तो बाबा ने हमें बता दिया है कौन सा पुरुषार्थ करना है और कौन सी मंजिल पर पहुंचना है। अब हमारे ऊपर है कितना पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं अंतिम सवाल। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते परंतु ये नहीं जानते कि रावण किसको कहा जाता है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी दुश्मन, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी माया और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी भ्रष्टाचारी। तो फिर एक बार कांग्रेचुलेशंस, बधाई आप सभी को। आपकी मेहनत ने फिर एक बार आपको सफलता दिलाई है और मोहब्बत से आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। तो चलिए बहुत 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 बधाइयाँ आप सभी को। दिल की दुआओं के साथ हम देते हैं बधाइयाँ और अनुभव करते हैं आज कि स्वयं भगवान जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं आपके ऊपर सूक्ष्म लोक से, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल। तो बाबा भी ऊपर बैठ के गीत गा रहा है, वाह मेरे मीठे बच्चे वाह, शुक्रिया के गीत आप गा रहे हो और बाबा वाह वाह के गीत गा रहा है। तो कितना सुंदर अनुभव सब फील करें कि बाबा जो पुष्पों की वर्षा कर रहे वो हमारे ऊपर हो रही है और हम जो है भरपूर होते जा रहे हैं। तो फील करें बाबा का जो हमें वरदान मिल रहा है, सूक्ष्म वतन से दुआएं मिल रही हैं, उसको अनुभव करें और भरपूर हो रहे हैं आप सभी। तो खुशियों के गीत आपके मन में जो गूंज उठे हैं तो दिल से कहिए शुक्रिया मीठे बाबा शुक्रिया। कराने वाला भी तू, बनाने वाला भी तू और देने वाला भी तू, तो तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। तो
तभी से धन्यवाद के साथ हम भी लेते हैं छुट्टी और विदाई, शुक्रिया करते हुए बाप दादा का, पूरे ब्राह्मण परिवार का, ड्रामा का और आप सभी का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओम शांति।